हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज़ में आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्वेश्चंस। यानी अगर आपने ये टॉपिक रेडी किया है अपने इकोनॉमिक्स के लिए कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कहूँगा बन सकते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि वट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर दैट रन्स ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप्स, पार्क्स, रोड्स, ओपन ग्राउंड्स एटसेट्रा। सो दिस वाटर रन ऑफ कैन बी आइदर स्टोर्ड और रिचार्ज इन टू ए ग्राउंड वाटर। तो कहने का मतलब क्या है कि बारिश आ रही है, पानी कहीं से भी बह रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपने स्टोर करना है। अगर आपने स्टोर कर लिया तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक पार्ट बन जाएगा, क्योंकि स्टोर वाटर जो है वो कहाँ आप यूज़ करेंगे वो बाद में देखेंगे कि उसका क्या क्या यूज़ हो सकता है। फिर मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कौन कौन सी टाइप्स की होती है, तो इसमें सबसे पहले जैसे वाटर बट है, या डायरेक्ट पंप भी होता है जिसको समर्सिबल भी बोलते हैं। डायरेक्ट पंप यानी सक्शन होता है, इनडायरेक्ट ग्रेविटी, इनडायरेक्ट पंप हो गया, ग्रेविटी ओनली। तो ये डिफरेंट टाइप की रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। वैसे हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो लेकिन जैसे वाटर बट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ए वाटर बट कैन बी अ कंटेनर ऑफ एनी साइज और शेप दैट इज यूज टू स्टोर रेन वाटर, एंड वेन इट रेन्स द वाटर इज कॉट इन ए ड्रेन पाइप, जो ड्रेन पाइप में चला जाता है एंड फ्लोज डाउन इन टू द वाटर बट, और बाद में उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो कलेक्टेड वाटर, इट कैन देन बी यूज टू वाटर प्लांट्स, रिंस क्रॉप्स और टॉप अप पॉन्ड्स एंड इवन क्लीन कार्स। तो ये नहीं कहेंगे कि पीने के लिए, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो रोड के किनारे पानी इकट्ठा हो जाता है, बट वो पानी एब्सोल्युटली वेस्ट हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता। तो उस पानी को यूज़ करने के लिए वाटर बट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है उसमें से। ऐसे क्वेश्चन थ्री है, वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज क्या है इसका। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, वो हैं दे आर जैसे रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर बाय इट्स रनिंग ऑफ, यानी ऐसी बहता हुआ पानी है उसको वाटर लॉस को रोकना। अवॉइडिंग फ्लडिंग ऑफ रोड्स, और ये भी आ गया, यानी जो फ्लडिंग ऑफ रोड को आप रोकना चाहते हैं तो वो भी ज़रूरी है, भी आप इसके लिए पानी को स्टोर करें। या फिर मीटिंग द डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग वाटर, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है और पानी है नहीं, तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो उसका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप पानी को स्टोर कीजिए, रेन को जो है, रेन वाटर जो है उसको स्टोर कीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि वेयर इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग मोस्टली यूज, कहाँ पर ये की जाती है मैक्सिमम। तो अर्बन एरियाज में देखिए रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ, वहाँ तो आप छतों से करेंगे, या पेव्ड एंड अनपेव्ड एरियाज ऑफ अ हाउस और ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट, अ कॉलोनी, अ पार्क, अ प्लेग्राउंड, पार्किंग एरियाज। तो यहाँ आप ये कर सकते हैं, स्कूल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, लेक्स और टैंक्स। तो देयर आर टू वेज ऑफ यूजिंग द हार्वेस्टेड रेन वाटर, एक तो स्टोरिंग इन रिसेप्टेकल्स और रिचार्जिंग इन टू द एक्वाफायर जो है। तो यहाँ पर आप, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप पानी को कहाँ कैसे उसका स्टोर करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, जो आपने पानी हार्वेस्ट किया है उसको स्टोर करें। विच स्टेट यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो देखो तमिलनाडु, इंडिया की अगर देखे बात तो तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया, और ये एक तरीके से कानून है वहाँ पे। यानी जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ बीन मेड नेसेसरी फॉर एवरी हाउस होल्ड, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये एक कानून है एक तरीके से। तो एक्सप्लेन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन हिली एंड माउंटेन्स रीजन या फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल। अब देखो हिली एरिया में और इधर से फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में, तो क्या क्या मेथड है। जैसे इन हिली और माउंटेन्स रीजन, जैसे हिमाचल की तरफ बात करें तो पीपल बिल्ड डाइवर्शंस चैनल्स लाइक द गुल्स एंड कूल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। ऐसी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, और वो मेन मोटिव था उसका रूफ टॉप पे पानी को स्टोर करना, ताकि पीने के रिपर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाए। ऐसी फ्लड प्लेन्स, अगर बंगाल के जो फ्लड वाले एरिया बट प्लेन एरिया है जहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है, तो पीपल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। तो उन्होंने इस तरीके का मेथड यूज़ किया सिर्फ अपने खेतों को पानी देने के लिए, कि पानी को स्टोर करते हैं।
सो वाई इज द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज स्लोली डिक्लाइनिंग इन राजस्थान. देखो राजस्थान सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है कि समर्स के अंदर देखें, अब विंटर्स में चाहे थोड़ा ठंडा होगा लेकिन समर्स में, और ऐसा भी माना जाता है कि पानी वहाँ पहले कम था लेकिन अब कहते हैं वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अब डिक्लाइन होगी. ऐसा क्या रीज़न है? तो उसमें तीन चार रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे सबसे बड़ा क्या है कि जो प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप, रूफ की यानी छत की टॉप पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो डिक्लाइन में है. इट इज़ ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर फ्रॉम पेरेनियल राजस्थान कैनाल. तो वहाँ राजस्थान की जो रिवर्स है वहाँ सारा साल पानी रहते हैं. उसके अलावा जो न्यू जनरेशन कंसीडर स्टोर वाटर अनहाइजीनिक, सो दे डोंट प्रीफर टू ड्रिंक दैट वाटर. और जो नई जनरेशन है वो कहती भी जो स्टोर वाटर है ना ये अनहाइजीनिक सा, ये पीने लायक नहीं है, तो इसलिए वो इसको पीना पसंद नहीं करते. तो ये भी रीज़न है जिसकी वजह से ये अब थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया राजस्थान में. इस ट्रेंड के ऊपर थोड़ा सा डाउनफॉल आया है. अब चलते हैं क्वेश्चन 8 के लिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज ए वायबल ऑल्टरनेटिव बोथ सोशो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली. तो सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 3 एग्जाम्पल्स. आप 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं. देखो सिंपल सी बात है, इसका कोई नुकसान तो सबसे बड़ा है कि नहीं है, कहीं ना कहीं तो आप इसे यूज़ करेंगे. तो कीपिंग इन व्यू द डिसएडवांटेजेस एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड ए वायबल ऑल्टरनेटिव बोथ सोशो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली. जैसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है शिलोंग में, मेघालय में. एंड दो कहते हैं कि यहाँ पर हाइएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड में अगर देखें, लेकिन जो स्टेट कैपिटल है शिलोंग फेसिस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. वहाँ पानी की फिर भी शॉर्टेज रहती है. नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज़ ए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. और हर घर में आपको शिलोंग के अंदर छत के ऊपर यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पानी को स्टोर किया जाता है. तो आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ बारिश तो बहुत होती है लेकिन उसके बावजूद लोगों को वहाँ पानी को स्टोर करना होता है लाइक दिस, तो वो शिलोंग आ जाएगी. इसके अलावा मेघालय की हम बात करें, मेघालय में शिलोंग है उसकी जो स्टेट कैपिटल है. गिव वेरियस मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंस एंशियंट टाइम्स. पुराने टाइम से अगर देखें तो कौन कौन से मेथड है, जैसे गुल्स एंड कुल्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे वेस्टर्न हिमालयस में है. और एक गुल और कुल लीड्स टू ए सर्कुलर विलेज टैंक फ्रॉम विच वाटर रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी इनको जरूरत होती है पानी रिलीज कर देते हैं. ऐसे इनंडेशन चैनल्स जिसकी हम बंगाल में प्लेन फ्लड प्लेन्स की बात कर चुके हैं, पीपल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल टू इरीगेट देयर फील्ड. ऐसी थर्ड नंबर पे आता है खादीन्स और जोहर्स, जैसे पानी का तालाब होता है जिसको हम पोंड भी बोल देते हैं. तो इन द एरिड और सेमी एरिड यानी ड्राई और सेमी ड्राई जो रीजन्स होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चर द सॉइल, जिसको हम खादीन्स और बोलते हैं. जैसलमेर में इसको जोहर्स बोल देते हैं, यानी सॉरी खादीन्स इन जैसलमेर और जोहर्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, उसको जोहड़ का नाम दे दिया जाता है. वही है चीज़, वही है, नाम थोड़ा सा चेंज हो गया. अब ऐसी कौन सी एनजीओ है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम कर रही है, तो वो एनजीओ का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर के ऊपर. तो वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट यानी WOTR लोकेटेड इन पुणे, दिस एनजीओ हैज स्प्रेड इट्स विंग्स अक्रॉस 9 स्टेट्स इन इंडिया. इन्होंने 9 स्टेट्स पे अपना काम जो है फोकस करा, इम्पैक्टिंग मोर देन 3,750 विलेजेस विद वाटर एट द कोर ऑफ एवरीथिंग इट डज. That it does, WOTR has started many initiatives that aim at conserving water bodies in India, जिनका मेन काम क्या है कि पानी को कंजर्व करना चाहिए इंडिया के अंदर. क्वेश्चन 11 है what government is doing for rain water harvesting. सरकार क्या कर रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, तो इन ऑर्डर टू बूस्ट वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द कंट्री, जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ टेकन अप अ नेशन वाइड कैंपेन जिसका नाम है जल शक्ति अभियान कैच द रेन. जल शक्ति अभियान, अब देखिए कौन सा इन्होंने कैंपेन चलाया उसका नाम देखिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी JSACTR विद द थीम कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स. अब ये मैंने आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन ढूंढ के आपको दिया है. फॉर क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. आपको बताने हैं गिव टू रीजन व्हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है.
और कुछ स्टेट्स बतानी है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस करती हैं। तो इंडिया है, एक तो इंडिया में सीजनल और एरेटिक और अन ईवन रेनफॉल है। ऑल्सो इन द ड्राई सीजन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की शॉर्टेज होती है जैसे राजस्थान में। और विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स वाटर कैन बी कंजर्व एंड यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो वाटर को आप ड्राई सीजन में यूज़ कर सकते हैं। द टू स्टेट्स जो इस पूरी की पूरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं वो है राजस्थान एंड गुजरात। इसके अलावा डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रेन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका प्रोसीजर क्या होता है? जो प्रोसीजर है वो ऐसे है जैसे रेन जो रेन वाटर होता है फॉलिंग ऑन द रूफ इज कलेक्टेड बाई पीवीसी पाइप एंड फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स। और बाद में अंडरग्राउंड पाइप टेक्स वाटर टू ए सम्प और फॉर इमीडिएट यूज़। और फिर जैसे जैसे आपको ज़रूरत महसूस होती है, जहाँ जहाँ आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है, पानी को आप वहाँ से रिलीज़ करके अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। टाइम कम था बट इवन देन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट क्वेश्चंस आपकी वाइवा के लिए। आपने वट एवर जो जिस बच्चे की आरुषि, इनफैक्ट मैम वेरी थैंकफुल टू यू बेटा, आपने मुझे मैसेज किया और मुझसे ये वीडियो के लिए बोला, बट क्वेश्चंस मैं जितनी जल्दी जो बना सकता था आपके लिए रेडी किए हैं मैंने। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कल आपका वाइवा अच्छा हो एंड आई होप सो। आपकी जो मुस्कुराता हुआ चेहरा यानी एक लाइक तो जरूर करेगा जब आपका वाइवा अच्छा होगा। मैं नहीं कहूँगा पहले कीजिए, बट आप वाइवा होने के बाद जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो। सो थैंक यू एंड हैव वेरी नाइस डे।